जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं राकेश शिवालिया स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने ये लेक्चर 41 मेरा आज है, इससे पहले लेक्चर 40 हो चुका है और इसमें मैं डिफरेंट पार्ट्स में बना रहा हूँ। इस पार्ट्स में मैं बता रहा हूँ कि जब भी कोई कुंडली आपके पास आती है तो कैसे इस कुंडली को देखें और कैसे इस कुंडली से प्रोडक्शन करने की कोशिश करें। तो उससे पहले मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई कि लग्न देखिए, चंद्र राशि देखिए, या उसके अंदर कौन से प्लैनेट कहाँ गए हैं वो चेक कीजिए, वो मैंने आपको बताया पार्ट वन के अंदर। पार्ट टू में आपको बताने जा रहा हूँ मैं कि क्या क्या चीज़ आपको और चेक करनी है। अब जैसे किसी कुंडली के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, सबसे पहले आप कुंडली में ये भी देखिए कि आपकी कुंडली में कौन से राजयोग बन रहे हैं, कौन से दोष बन रहे हैं, ये भी आपको चेक करना ज़रूरी है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि कुछ जैसे तो राजयोग योग करीब हजारों हैं जो कुंडली के अंदर बनते हैं, या हर योग तो आप याद रख नहीं सकते, बट एटलीस्ट 25 योग को ही आइडेंटिफाई कर लीजिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, जो आप याद रख सकें, और ऐसी प्रकार से 25 करीब कोई दोष याद कर लीजिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, जो याद रख सकें। उनको बस आपको मालूम होना चाहिए कि ये योग, ये दोष ये बन रहे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। अब जैसे सूर्य से बनने वाले हैं, चंद्रमा से बनने वाले योग हैं, अनफा है, सुनफा है, दुर्धरा है, ये इतने इंपॉर्टेंट योग नहीं है, इनका बहुत माइनट या बड़ा नेग्लिजिबल रिजल्ट होता है। तो वो राजयोग देखिए, दोष देखिए कि कुंडली में कौन से राजयोग बन रहे हैं, कौन से दोष बन रहे हैं। फिर इसमें आपको मैंने बताया कि एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्लैनेट कहाँ गया है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए प्लैनेट कहाँ गया है, मतलब इस किस भाव में गया है। अगर जितने भी शुभ प्लैनेट होते हैं, शुभ ग्रह होते हैं, शुभ ग्रह मीन्स नैसर्गिक शुभ ग्रह, चंद्रमा, शुक्र, बुध, गुरु, ये जितने नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, ये हमेशा केंद्र त्रिकोण में अगर हों तो बहुत अच्छे होते हैं। और केंद्र त्रिकोण में भी अगर, केंद्र में भी अगर ये अपनी राशि में आ जाएं, स्वराशि में बैठे हों, तो महापुरुष योग बनाते हैं जो कि और भी बहुत अच्छा होता है। तो शुभ ग्रह अगर आपके केंद्र त्रिकोण में होते हैं तो वो बहुत कंफर्टेबल होते हैं, आपकी लाइफ बहुत कंफर्टेबल होती है। इसके अलावा अगर आपके मैलेफिक प्लैनेट्स जो अशुभ ग्रह हैं, जैसे मंगल है, शनि है, सूर्य है, राहु है, केतु है, ये आपके केंद्र त्रिकोण में हों, तो केंद्र में हों तो ये नुकसान देते हैं केंद्र में होने पर। हाँ, अगर केंद्र के स्वामी हैं तो फायदा देंगे, अपोजिट हो जाएगा। केंद्र में बैठे होने से नुकसान करते हैं ये, केंद्र के स्वामी होने पर नुकसान नहीं करते बल्कि फायदा करते हैं। तो ये ध्यान देना है कि मैलेफिक प्लैनेट्स अगर आपके केंद्र में हैं तो क्या वो केंद्र के स्वामी हैं या वो केंद्र में बैठे हैं। अगर बैठे हैं तो नहीं अच्छा है, और केंद्र के स्वामी हैं तो ठीक है। जितने अशुभ ग्रह हैं, मैलेफिक प्लैनेट्स, जो वही मैं शनि मंगल की बात कर रहा हूँ, ये आपके जो 3, 6, 11 भाव हैं, आपके ऐसे भाव हैं जो खुद भी अच्छे भाव नहीं कहलाते, उनके अंदर हों तो बहुत अच्छा रहता है। उनके अंदर अगर ये प्लैनेट बैठे हों तो वो अच्छा होता है, क्योंकि कहते हैं ना लोहा लोहे को काटता है। तो अगर कहीं गंदगी है, कहीं बीमारी है, तो उससे उसको ख़त्म करने के लिए बीमारी ही देनी पड़ती है, तभी जाके ठीक होता है। तो आपको ये मालूम ही है कि जितने टीके बने थे, चेचक का टीका हो या कोई भी टीका हो, सबके अंदर वही चीज़ ड्रॉ की गई उन्हीं से लेके जिससे कि वो वायरस पैदा हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि 3, 6, 11 भावों में अगर नैसर्गिक अशुभ ग्रह, पाप ग्रह बैठे हों तो वो अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन अगर वो उनके स्वामी बन जाएं तो फिर वो बहुत बुरे हो जाते हैं। 3, 6, 11 भावों के स्वामी इनको नहीं होना चाहिए, मैलेफिक प्लैनेट्स को। अगर उनके स्वामी हो जाते हैं तो जिस प्लैनेट जिस घर में जाएंगे, उस घर में या जिस ग्रह के साथ बैठेंगे, उसके भावों को, रिजल्ट को खराब कर देंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। फिर आपको देखना है कि प्लैनेट आपके स्ट्रांग है या वीक है। मैंने आपको प्लैनेट स्ट्रांग के बारे में मैं बता देता हूँ आपको कि प्लैनेट, कोई प्लैनेट स्ट्रांग है इसको देखने के लिए कुछ क्राइटेरिया है। सबसे पहले देखिए कि प्लैनेट आपका उच्च राशि में बैठा है, मूल त्रिकोण में है, मित्र राशि में है। अगर इनमें है तो प्लैनेट को स्ट्रांग कहा जाएगा, नंबर वन, ये पैरामीटर टिक कर लीजिए। नंबर टू देखिए इसका एसोसिएशन क्या है, मतलब किन प्लैनेट के साथ वो बैठा हुआ है प्लैनेट। जैसे आप बृहस्पति की नाप रहे हैं स्ट्रांग है या वीक है आपका, तो अगर वो अच्छे ग्रहों के साथ बैठा है तो स्ट्रांग, उस पर अच्छे ग्रहों की दृष्टि है तो स्ट्रांग। अच्छे ग्रहों की दृष्टि मीन्स जो बात कर रहा हूँ मैं, नैसर्गिक शुभ ग्रह या नैसर्गिक अशुभ ग्रह उनकी बात कर रहा हूँ, नेचुरल बेनिफिक। मंगल हो सकता है कुंडली में आपकी शुभ हो, उसको अच्छे भाव मिले हों, केंद्र त्रिकोण का स्वामी हो, लेकिन दृष्टि उसकी हमेशा गड़बड़ रहेगी, यह ध्यान रखिएगा। शनि अच्छे घरों से मिले तो शनि आपकी कुंडली में शुभ हो सकता है, लेकिन शनि की दृष्टि जहाँ पड़ेगी वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा।
तो जब हम दृष्टि की बात कर रहे हैं या एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं कि जो नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह हैं उनके साथ अगर एसोसिएशन होगा या उनकी दृष्टि होगी तो भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, अगर नहीं होगा तो आपका ग्रह स्ट्रांग कर जाएगा। वर्गा चार्ट, जो भी वर्ग इस्तेमाल कर रहे हैं आप, सत्व वर्गा, दश वर्गा, षोडश वर्गा, जितने वर्ग चार्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर 60% चार्ट्स के अंदर आपका प्लेनेट स्वयं राशि में या आपका त्रिकोण राशि में जा रहा है तो वो प्लेनेट भी आपका अच्छा कहलाएगा। प्लेनेट अगर आपका त्रिकोण भाव में, केंद्र भाव में या 2 और 11 भाव में गया है तो भी प्लेनेट आपका स्ट्रांग माना जाएगा। त्रिकोण में बैठा हो प्लेनेट, 1, 5, 9 में हो, 4, 7, 10 के अंदर हो या 2 और 11 भाव में हो तो प्लेनेट को स्ट्रांग मानते हैं। तो वो भी देखना जरूरी है कि जो प्लेनेट आप किसी जिसकी आप नाप रहे हैं कि शक्ति कितनी है उसकी, वो देखिए कि अगर वो त्रिकोण में गया है, केंद्र में गया है, 2 या 11 में गया है। फिर ये देखना होता है कि प्लेनेट आपका मृत्यु भाग में तो नहीं है। मृत्यु भाग मीन्स क्या होता है कि जितनी भी ऑड राशिज हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11 वगैरह जो राशिज हैं उनमें लास्ट के 6 डिग्री, और जितनी इवन राशि हैं 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 उनमें स्टार्टिंग के 6 डिग्री, ये मृत्यु भाग कहलाता है। सपोज कीजिए कि सूर्य है, सूर्य आपका मिथुन राशि में बैठा हुआ है, तो मिथुन राशि आपकी ऑड राशि है, विषम संख्या है, 1, 3, 5 जैसे मैं आपको बोला, तो इसमें अगर सूर्य आपका 25 डिग्री का है तो उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि मृत्यु भाग में चला गया। और दूसरी चीज के अंदर इसके विपरीत, सूर्य अगर वृष राशि में है, इवन राशि में आ गया, वो 4 डिग्री का बैठा है तो भी उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, तो वो भी चेक कर लेना चाहिए कि वो मृत्यु भाग में तो नहीं है। अगर मृत्यु भाग में नहीं है तो प्लेनेट स्ट्रांग हो जाता है। फिर देखते हैं अष्टक वर्ग, अष्टक वर्ग देखना बहुत जरूरी है। अष्टक वर्ग में देखिए कि जो प्लेनेट है वो राशियां नोट कर लीजिए कि प्लेनेट कौन सी राशि में बैठा है और किन जिन भावों का स्वामी है वहां पे कौन सी राशियां हैं, वो आपने नोट कर लिया कि शुक्र आपका मान लिया 5 नंबर राशि में बैठा हुआ है और 2 और 7 का तो वो स्वामी होता ही है, 2 और 7 का, तो आपने 5 नंबर राशि नोट कर ली, 2 नंबर नोट कर लिया, 7 नंबर नोट कर लिया। अब शुक्र का अष्टक वर्ग देखिए, आप देखिए कि 5 नंबर राशि को कितने पॉइंट मिले जहां वो बैठा है, और 2 और 7 जिनका वो मालिक है वहां कितने पॉइंट मिले वो नोट कर लीजिए, तीनों का एवरेज ले लीजिए। एवरेज अगर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो, 4 से ज्यादा आपकी वो एवरेज आ जाता है, या 4 हो या 4 से ज्यादा हो, तो प्लैनेट स्ट्रांग कहलाता है। तो वो ध्यान देना आपको जरूरी है। और वही प्लैनेट अगर आपका 4 से कम आता है नंबर उसका, तो वो आपका प्लैनेट वीक हो जाता है। तो बहुत जरूरी है ये देखना कि प्लैनेट आपका स्ट्रांग है या वीक है। प्लैनेट अगर आपका 6, 8, 12 भाव में चला गया तो भी वीक हो जाता है, कंबस्ट हो गया तो भी वीक हो जाता है, अपने शत्रु के नक्षत्र में चला गया तो भी वीक हो जाता है। तो बहुत जरूरी है कि प्लेनेट आपका स्ट्रांग कैसे हो। वैसे तो आपको षडबल से देखना जरूरी है, लेकिन षडबल अगर आप बाई चांस नहीं देख पाते तो मोटा मोटा मैंने आपको आइडिया दिया है कि प्लेनेट अगर उच्च राशि में है, मूल त्रिकोण में, स्वयं राशि में, तो अच्छा होता है। प्लेनेट के अष्टक वर्ग के अंदर अगर 4 से ज्यादा पॉइंट है, 4 या 4 से ज्यादा है, तो बहुत अच्छा होता है। प्लेनेट पे शुभ ग्रहों की दृष्टि हो और शुभ ग्रहों के साथ बैठा हो तो बहुत अच्छा स्ट्रांग हो जाता है। प्लेनेट अगर अपने ही नक्षत्र में बैठा हो या अपने किसी मित्र के नक्षत्र में बैठा हो तो भी बहुत अच्छा हो जाता है। प्लेनेट अगर शुभ वर्गों में हो, ज्यादा वर्गों में, मतलब 10 है, 10 में 6 वर्ग में अगर अच्छा प्लेस्ड है तो अच्छा, बहुत अच्छा हो जाता है। प्लेनेट अगर त्रिकोण में या केंद्र में बैठा हो तो अच्छा हो जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कुंडली की, प्लेनेट की स्ट्रेंथ को निकालने के लिए कि प्लेनेट आपका स्ट्रांग है या कैसा है, क्योंकि प्लेनेट आपका अगर स्ट्रांग होगा तो उसके आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। सूर्य आपका स्ट्रांग होगा तो आपको नेम, फेम, पावर सब चीज़ मिलेगी, और उसके विपरीत सूर्य आपका अगर बहुत वीक होगा तो उस केस में आपका डिफेम हो जाएगा, आपका नाम नहीं रहेगा, अपयश रहेगा आपका, आपकी पावर छीण हो जाएगी, आपका थोड़ा व्यक्त थोड़े ढीले ढाले टाइप के, मतलब इल टाइप के पर्सन रहेंगे, बड़े वीक टाइप के पर्सन रहेंगे। तो वो बहुत ज़रूरी होता है ये चेक करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो चेक करनी चाहिए कुंडली में, इनको नोट डाउन कर लेना चाहिए, उसके बाद कुंडली स्टार्ट करनी चाहिए। तो इसके आगे भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको बताऊंगा मैं कि जो स्टार्ट कुंडली देखते हुए देखने चाहिए। तो आशा करता हूँ ये आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो काइंडली सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, मेरा मोटिवेशन बना रहता है उस चीज़ से नए लेक्चर डालने के लिए। और इसके अगले पार्ट्स में मैं आपको फिर आगे आने वाली चीज़ें बताऊँगा कि कुंडली कैसे देखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।